से मुड़सान हाथरस की खबर। गुंडों के खौफ के कारण गांव के कई परिवार गांव छोड़ने को है मजबूर। कोतवाली मुड़सान क्षेत्र के गांव शेरखा में बीते दिनों में हुई हत्याकांड के मामले में पैसा एवं अप्रोच के बल पर खुलेआम घूम रहे मुख्य आरोपी जान से मारने की दे रहे धमकी। मृतक के परिवार धमकी गुंडों के खौफ के कारण अधिक संख्या में गांव के कई परिवार गांव छोड़ने को है मजबूर। मृतक पंकज के परिवार एवं गांव के अन्य लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि मृतक पंकज जिस बाइक से गया था स्प्लेंडर H29Z3110 बाइक पर गया था, उस बाइक का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है, न ही हमें मृतक पंकज की डेड बॉडी दी गयी थी। मृतक पंकज की शिनाख्त कुछ इस प्रकार पुलिस के द्वारा दी गयी थी कि पंकज के पहने हुए कपड़े एवं पंकज द्वारा यूज किए गए मोबाइल एवं डेड बॉडी के कुछ कंकाल मिले थे जिनके द्वारा मृतक पंकज की हत्या की गई थी। गांव के ही रहने वाले ओम कुमार शर्मा उर्फ नेता शर्मा, लोकेश शर्मा, अन्य साथी गढ़ फरार चल रहे मुख्य आरोपी के द्वारा दी जा रही जान से मारने की धमकियां। मृतक परिवार के साथ खड़े ग्रामीणों का कहना है कि फरार चल रहे ओम कुमार शर्मा उर्फ नेता शर्मा व लोकेश शर्मा कहते हैं कि हमारे ऊपर तक पहुँच है और हमारे पास काफी पैसा है, हमारा सारा गाँव मिलकर भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ लूट, हत्या, चोरी जैसे मामले अलग अलग जिला एवं थानों में चल रहे हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले ऐसे व्यक्तियों से हमें खौफ रहता है। फरार चल रहे आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग भूख हड़ताल एवं काफी संख्या में कई परिवार गाँव को छोड़कर चले जाएंगे। वही मृतक पंकज के माता पिता एवं भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल है। मौजूद ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रामीण संवाददाता अनिल चौधरी, जनपद हाथरस। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्री। कहाँ के रहने वाले हैं? शेर खां के। क्या मामला है दादा? दादा भैया मेरा बेटा मार दो है। किसने मारा है? ने हेमंत ने और नेता ने और लोकेश ने। अच्छा। हाँ भैया जिन्हें मार दो, एक तालीवर माँ को धीरेन्दर। अच्छा। और भैया बाप का नाम है तालीवर। मेरा बेटा मार दिया भाई, और भाई मेरा न्याय होना चाहिए भाई। कोई कार्रवाई नहीं करी, कराई आपने? हाँ कार्रवाई करवाई है भैया। 20 तारीख को मैंने उनसे दी रिपोर्ट करी और बाकी बाद में फिर मेरी 2 तारीख को FIR भई है। अच्छा। आपका? चंद्रमोहन शास्त्री। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव शेरखा का रहने वाला हूँ। ये आपके गांव का जो मामला है, क्या मामला है विस्तार से बताएंगे? ये लड़के को मार दिया गया, 20 तारीख से गायब है और अभी तक लाश नहीं मिली है। और जो कुछ लोग पकड़े गए जी, उन्होंने थाने में कहा है कि हमने उसको मार दिया। ठीक है। हेमंत शर्मा और वीरेंद्र, उन्होंने कहा है कि हमने मार दिया इसको। ठीक है। और 2 लोग फरार घूम रहे हैं अभी। कौन कौन फरार घूम रहा है? नेता शर्मा, लोकेश शर्मा। अच्छा। ये फरार घूम रहे हैं दोनों देश की। पुलिस से आपने जब शिकायत की है तो पुलिस ने कहा क्या कहा? पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। क्यों नहीं की? हमने बहुत प्रयास किया है, लाख लाख प्रयास किया, न जाने क्यों सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, साहब ठहर जाओ, तुम्हारी कार्रवाई करेंगे हम। कारण नहीं पूछा आपने? मैंने बहुत कारण पूछा है, सबने, पूरे गांव ने कारण पूछा, पूरे 4 गांव इकट्ठा हुए थे वहाँ जी, जाम भी लगाया हमने। ठीक है। लेकिन लाख प्रयास किए लेकिन कोई कहीं भी हमारी कार्रवाई सुनाई नहीं पड़ी। कार्रवाई के संबंध में अधिकारीगण क्या कहते हैं आपसे? अधिकारी लोग यही कह रहे थे तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी। कब हो जाएगी? जी क्या नाम है आपका? मृणाला देवी। माता जी आपके साथ में जो आपके बच्चे के साथ में घटना घटित हुई है, ये कार्रवाई के संबंध में किसी से आपने कोई सुन कराई है आपने? पुलिस से कराई, उन्हें कोई सुनवाई नहीं करी। माता जी क्या मामला है? नेता और लोकेश को मोर होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी ना है रही, सुनाई ना करे, आजीवन कारावास होना चाहिए। किसने बुलाया था? सुनवाई ना है रही, यदि ऐसा होता रहा तो हम इस काम को पलायन करने के लिए तैयार हैं और हमारे लोगों के लिए कार्रवाई नहीं हुई है।